हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मध्य प्रदेश के सतना से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सतना में भी कोरोना काल में आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले गुनहगार कैमरे पर कैद हुए हैं। सतना में इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट और ग्लव्स को दोबारा धोकर बाजार में बेचने की, यानी आप ये समझ लीजिए कि रीयूज करने के लिए तैयारी की जा रही थी। वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्टाफ पीपीई किट को गर्म पानी से धोकर बकायदा अलग बंडल बना रहा है और इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर रहा है। कल दिल्ली में भी यूज्ड ग्लव्स का पूरा जखीरा बरामद हुआ था। पटना एसडीएम राजेश शाही ने कहा कि इस मामले में जांच की जा चुकी है, रिपोर्ट का इंतजार है। वीडियो क्लिप वायरल हुई है और कल वीडियो क्लिप देखने के बाद हमारे कलेक्टर साहब के संज्ञान में जब ये मामला है तो उन्होंने हमें निर्देशित किया कि क्या फैक्ट ये पता लगाया जाए। इसमें जो बड़खेरा गांव है पाटन रोड पर, वहाँ पर बायोवेस्टेज एक प्लांट लगा हुआ है जो इंडो वाटर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कॉरपोरेशन के नाम से है। वहाँ आज प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है, उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।